जय माता दी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता दी। कबूतर, कबूतर क्या परेशानी करता है? अगर आपके घर में भी कबूतर है तो आप बड़े ध्यान से ये बात सुनिए, गौर से सुनिए। कबूतर जहां घोंसला बनाता है वहां गंदगी करता है। कबूतर यहाँ घोंसला बना कितनी गंदगी कर देता है, और वो गंदगी से खराब शक्ति आने लगती है घर पे, और उससे गलत शक्ति आने लगती है। दुर्भाग्य, उसे दुर्भाग्य जो है बढ़ने लगता है। घर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, घर में तरह तरह की परेशानियां, दरिद्रता आने लगती है। सारी बरकत चली जाती, घर के आदमी बीमार रहने लगते हैं कबूतर के उससे। वास्तु दोष होने लगता है, गंदगी फैलाता है कबूतर बच्चा, तो उससे वास्तु दोष भी लगता है घर पे। वास्तु दोष, परेशानियां, बीमारियां, हर तरह के, समझ लो हर तरह की परेशानी। इसलिए यदि अगर यदि आपके घर में भी कबूतर घोंसला बना रखा है, तुरंत उठा के बाहर फेंक दीजिए। इतना ज्यादा गंदगी परेशानी होती है घर में। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कबूतर से इतनी परेशानी, दुर्भाग्य आता है घर पे। वास्तु दोष भी लगता है, दुर्भाग्य भी बढ़ता है, दरिद्रता भी आती है, सब कुछ आने लगती है। तो तुरंत देर ना लगाइए, क्योंकि तो लोगों को लगता है कि बच्चा ये वो एक के बाद एक करता ही रहता है, गंदगी फैलाता है कबूतर। अगर आपके छत पे इस तरह है कहीं है तो आप उससे नेट ला के लगा दिए, जाली, किसी भी तरह करके कबूतर को छत पे घर पे आने से रोकिए। बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है कबूतर आने से घर में। जरा भी न सोचिए, उठा के उसको बाहर करिए घोषणा। जय श्री राम, जय माता रे, सर्व मंगल मंगल शिव सर्वा सा कृष्ण के बरी नारायण नमस्ते। कीर्तन पूजा हमारा चैनल है, उसके माध्यम से हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी ढूंढ के देना चाहती हूँ, कि जो धार्मिक हैं सब समझते हैं, सब लोग देखेंगे। तो बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार बढ़ाते रहिए, हमको देते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही यहाँ तक आई हूँ। सभी लोगों को देख कर धन्यवाद। चलिए।